जय हिंद ऑल ऑफ यू। एट क्लास स्टूडेंट, लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 14 एंड नाउ वी स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इज द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ जो है प्राकृतिक घटनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जनरली नेचुरल फिनोमेनन के अकॉर्डिंग क्या आता है, बाढ़ आना या फ्लूड आना, ठीक है, अर्थक्वेक आना। ठीक है, इसी प्रकार से जो होता है अर्थक्वेक या जो भूकंप आना है, ठीक, या ज्वालामुखी आना, इस प्रकार से जो होती है फिनोमेनन क्या होती है, नेचुरल फिनोमेनन या जो है। फिर नेक्स्ट होती है नेचुरल फिनोमेनन में हम देखेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग या जो है बिजली चमकना या जो है बादल गरजना, बिजली चमकना होता है। लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल ऑफ द एयर गेट कन्वर्टेड इन चार्ज पार्टिकल। जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, ओके, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और आयोनाइज्ड होकर क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, आयोनाइज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो आपस में रब होते हैं, टकराते हैं, तो एक प्रकार की क्या होती है, स्पार्किंग निकलती है या चमक निकलती है। इस प्रकार से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। जो एटम्स होते हैं गैसेस के या जो वेरियस टाइप की जो गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस के एटम्स एटमोसफेयर में पाए जाते हैं, ओके, और जब गैसेज होती है आपस में अलग अलग तरह की जो लेयर्स है, हवा मतलब कि कोल्ड एयर आपस में टकराती है या रब होती है, तो उस समय क्या होता है, इस प्रकार से एयर जो है ऊपर जाती है नीचे आती है, तो बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में रबिंग होती है। रबिंग के थ्रू जो एटम्स होते हैं एयर के, वो एटम जैसे ऑक्सीजन है तो वो माइनस चार्ज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अदर गैसेज जो होते हैं वो चार्ज हो जाती है या आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइजेशन की वजह से जो आयन्स होते हैं वो प्लस आयन्स और माइनस आयन क्या होते हैं, जब आपस में रब होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक प्रकार की स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग जो होती है वो नीचे तक या जमीन तक क्या आती है तेजी से। ठीक है, ये इस प्रकार की मतलब की चार्ज का अर्थ में आना, इसे कहेंगे लाइटनिंग। लाइटिंग इज अ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल प्रोसेस, ओके। ये जो एक प्रकार की नेचुरल फिनोमेना है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू ही क्या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करना है। अब किस प्रकार से चार्ज होते हैं, चार्ज किस प्रकार बनते हैं, अब उनकी बॉडी में चार्ज कैसे आते हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चार्जिंग बाय द रबिंग क्या होता है, जब हम किसी एक कपड़े एक प्लास्टिक को किसी कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें चार्ज क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। आगे से इस प्रकार से क्या होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होने होंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यदि हम एक कपड़े को एक जो है प्लास्टिक की कुर्सी पर बार बार क्या करते हैं, मारते हैं इस प्रकार से, तो जो ये क्लॉथ होता है उसको कपड़े को प्लास्टिक की चेयर पर इस प्रकार से टच करने पर जो प्लास्टिक होता है उसको चार्ज क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं या जो चार्ज हो जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इस प्रकार से चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब हम टच करते हैं चेयर को तो वो सारे चार्ज हमारी बॉडी में क्या होते हैं, विसर्जित हो जाते हैं या चले जाते हैं, आ जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और हमें एकदम से करंट का झटका लगता है। इस प्रकार से चार्ज प्रोड्यूस होकर के क्या होते हैं, वो कंडक्ट होने लगते हैं बॉडी में, और एक प्रकार का शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं उसको। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये स्टडी जो है ये भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, जो गुब्बारा होता है, यदि गुब्बारे को हम खींचते हैं या रब करते तो उनके चार्जेबल हो जाता है और वाल के ऊपर क्या हो सकता है, चिपक जाता है, ओके। इस प्रकार से जो रबर गुब्बारे का जो सरफेस होता है वो चार्ज हो जाती है। ठीक, तो वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स में किस प्रकार से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। यदि हम कंघी को रगड़ते हैं सिर में, हम जो है कंघा जो जिससे हम कॉम जिससे बाल जो है हमारे हेयर्स को क्या करते हैं, कंघी करते हैं,
उसमें बालों में घिसने पर क्या होता है, नीचे यदि हम रख देते तो उसके ऊपर धूल चिपक जाती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको चार्जेबल होते हैं और अपोजिट चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर चिपक जाते हैं। यदि हमारे ड्राई हेयर से तो वो भी क्या होगा, कंघी के ऊपर अटैच होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रकार चार्ज की वजह से क्या होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपल्स टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ठीक है। जैसे प्लस 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 जो होते हैं वो माइनस माइनस से क्या में अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड होंगे, ठीक है। और जो सेम चार्ज है वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिपल्स होंगे, ठीक है। तो अटैच अट्रैक्ट अट्रैक्ट्स और रिपल्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स होंगे और सेम चार्ज रिपल्स होंगे, ओके। इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ये भी कंटिन्यू टुमारो। जय हिंद।